दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो और या कि आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, तो आज का यह वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेल दोस्तों, जब भी आप एक लैपटॉप को खरीदने का प्लान करते हो बाय करने का, तो ऐसे में आप चाहते हो कि आपके लैपटॉप में सारी क्वालिटीज हो और मोस्टली आप चाहते हो कि इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया हो। वेल, इसी के बारे में बात करेंगे और किस तरह से आप कौन सा लैपटॉप परचेस करो कि आपको बेस्ट बैटरी बैकअप अपने लैपटॉप में देखने को मिले। सो हेलो, हाय और यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। गाइज, मैंने लैपटॉप की बैटरी लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं गाइज। एंड गाइज, मैंने उस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था, लैपटॉप की बैटरी की रियलिटी के बारे में बताया था, कैसा बैटरी बैकअप हमें देखने को मिलता है, तो वह वीडियो आप गाइज जाके देख सकते हो। वेल दोस्तों, जब भी हम नया लैपटॉप लेते हैं, तो अगर हम नॉर्मल लैपटॉप ले रहे हैं अंडर 50,000 के बजट के आसपास, तो जब भी हम शुरू में लैपटॉप लेते हैं तो उसका बैटरी बैकअप हमें अच्छा देखने को मिलता है। कई बार 2-3 घंटे और 4-5 घंटे का भी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस, जब भी हम इसे ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं, 1-2 साल 3 साल में इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हार्डली हमें 1-2 घंटे का मुश्किल से बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। सो गाइस, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट कम है, अंडर 50,000 रुपीज का बजट है, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहते हो, तो ऐसे में आपको ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप को परचेस करना चाहिए। एंड वेल दोस्तों, मैं ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप को परचेस करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स एक सर्टिफिकेशन होता है जिसमें क्वालिटी के मेजर्स दिए होते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें आपको लंबी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, मतलब 8-10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स में देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, कंपनियां क्लेम करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप इन लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल जाता है, ये रियलिटी है। तो अगर आपको कितना भी पुरानी बैटरी भी हो जाती है, लैपटॉप पुराना हो जाता है, तो भी आपको हार्डली 6-7 घंटे 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है गाइस। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लैपटॉप लेते हो, तो नॉर्मल लैपटॉप में आपको 1-2 साल बाद बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपको बैटरी को चेंज करना पड़ता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है और बैटरी बैकअप इसके बाद बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है, बहुत ही कम बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एंड गाइज, ईवो लैपटॉप में नॉट ओनली आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ऑल्सो आपको इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है, चार्जिंग स्पीड वगैरह बढ़िया वॉटेज की देखने को मिलती है। एंड बट गाइज, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, तब फिर आप नॉर्मल लैपटॉप ले सकते हो। लेकिन गाइज, मैं बता दूँ कि नॉर्मल लैपटॉप से आप 1-2 साल 3 साल के बाद बैटरी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा, हार्डली 2 घंटे या 1-1.5 घंटे का ही बैकअप देखने को मिलेगा। एंड 2-3 साल में इसकी बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और खराब होने के बाद आपको बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लैपटॉप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस, जब भी आप बैटरी को रिप्लेस करवाने जाते हैं, तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है लोकल बैटरी और दूसरा होता है ओरिजिनल बैटरी। बट गाइस, आप अगर लोकल बैटरी डलवाते हो, तो ऐसे में आपके लैपटॉप में उतना ज़्यादा बैकअप देखने को नहीं मिलता और वो हार्मफुल भी हो सकती है लोकल बैटरी। अगर आप ओरिजिनल बैटरी की तरफ जाते हो, तो वो बैटरी आपको महंगी देखने को मिलती है। तो गाइज, अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप ले लेते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आपको लंबा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। सो होप गाइज यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया चाहिए, 6-8 घंटे का बैटरी बैकअप, और आपको बाद में भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए और आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड वगैरह और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चाहिए, तो फिर आप ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप की तरफ जा सकते हो और ये लैपटॉप्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। आप जो कॉस्ट दोगे, उसकी क्वालिटी आपको अपने लैपटॉप्स में देखने को मिलती है। तो
होप गाइस वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हुई है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अपडेट्स के लिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञानी को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।